सर रूमी से द वाउंड इज द प्लेस वे द लाइट्स एंटर्स यू, जख्मी वो जगह है जहां से रोशनियां आपके दाखिल होती हैं। क्या आप किसी अजनबी अनजान शख्स से मिलते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं? किस तरह से अपने हर लम्हे को खुशगवार पुरकशिश अंदाज में गुजारें? किस तरह से हम खुद से खुद के लिए फौरी तौरी एक्शन लें? किस तरह से अपनी शख्सियत को निखारें, इसे संवारें, इसे अपग्रेड करें? किस तरह मुमकिन हो सकता है कि आप हकीकत में खुद को जानते हैं? किस तरह खुद को बयां करें? कैरल सेगन से वी आर अवे फ्रॉम द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ, हम खुद को जानने के लिए कायनात से दूर हैं। अस्सलामु अलैकुम, हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आज के सेशन में आपके साथ बयां करूंगा 7 पावरफुल पर्सनैलिटी टिप्स, जिनको जानने के बाद आप ना सिर्फ पर्सनैलिटी को अपग्रेड करेंगे बल्कि आप अपने में कुछ यूनिक नया महसूस करेंगे, चेंज महसूस करेंगे। किस तरह? नंबर 1 टिप, हमारा थैंकफुल रहना, शुक्रगुजार रहना। किस तरह से रहना? नंबर 2 टिप को जान के, नंबर 2 टिप है हमारा स्टे इन प्रेजेंट, हमारा इस लम्हे में रहना। किस तरह से हम इस लम्हे में रह सकते हैं? नंबर 3 टिप को जान के, डोंट फोकस ऑन योर पास्ट, हमारा माजी को बुला देना। किस तरह माजी को बुला सकते हैं? इसको सर डीपली जानना पड़ेगा, डीपली किस तरह जानेंगे। नंबर 4 टिप से, नंबर 4 टिप क्या कहती है? Know yourself, खुद को जानना, खुद को किस तरह जाने। Meeting new people, नए लोगों से मिलके, किस तरह नए लोगों से मिले। नंबर 5 टिप तक हम पहुंच गए। नंबर 5 टिप कहती है कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड होना, किस तरह हम ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। जी हाँ, नंबर 6 टिप को जानके, नंबर 6 टिप क्या कहती है? नंबर 6 टिप कहती है कि आपको लीविंग कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना है। मिसाल लेंगे सर, पुराने जमाने की बात करें, सख्त गर्मी और गर्मी में हम वो पंखड़ी इस्तेमाल करते थे। देसी दुकान में बोलते हैं कि हाथ चलाने वाला पंखा। आहिस्ता आहिस्ता सर इनोवेशन बढ़ती गई, बिजली वाला पंखा आया, फिर दूसरा स्टैंड पंखा आया, और उसके बाद अब एसी आया। सर इनोवेशन मजीद बढ़ती जा रही है। इस इनोवेशन बढ़ने के साथ हम खुद की पर्सनैलिटी कैसे अपग्रेड करें? नंबर 7 टिप को जाएंगे। नंबर 7 टिप क्या कहती है? सर हमारा प्रिपेयर्ड रहना, तैयार रहना। किस तरह तैयार रह सकते हैं? सर तैयार रहने के लिए हमें रीड करना पड़ेगा। किस तरह से हम रीड करें? सर हमें कॉन्स्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी। किस तरह से कॉन्स्टेंट लर्निंग करें? सर इसमें हमें बेबी स्टेप्स लेने होंगे, छोटे छोटे स्टेप्स। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आसानी हम अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे। इन टिप्स से हम अपने अंदर चेंज पाएंगे, महसूस करेंगे सर, इस फील को महसूस करेंगे कि हम चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, इस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं, इसको यूनिक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ जरूर मुलाकात की। अल्लाह हाफिज़।